नमो सिद्धारं नमो वैरियारं नमो वज्जायारं नमो लोये सर्वसाधूनां मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंभकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमोऽस्मे साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे वन्दितु सर्वसिद्धे द्रोणचरणयोगं गतिं पत्ये मोक्षामि समये पावः नमो सुदकेरलीमणि समय सार जी में 30 नंबर की गाथा रम्य बणी दे जह रवि रण वर्णना कदा हो दी रवि रण देह गुणी तो बनती रखे बली गोरा तो होती दे ग्राम बरने करे निशी भूखाल बरने वो मजो क्यों दे गुणा के स्तवन से नहीं के वेगी गुणस्तवन हो। अब सबसे प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है ना, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों योग्य नहीं है, उसके उत्तर स्वरूप दृष्टांत सहित गाथा कहते हैं। एक प्रश्न कैसे बनाया कि जो देह आदि की प्राप्ति हुई है, शेर माता पिता मंदिर जिनवाणी, ये सब पूर्व उपार्जित अपने ही कर्मों का फल, जिस जीव ने जिस जाति का आश्रय बंद किया है परिणाम किए है, तो उसको वैसी गति वैसी आयु वैसे रिश्तेदार वैसी परिणति ये सब पूर्व नियोजित है ना। तो पर ये शरीर जो मिला है, इस शरीर का अधिष्ठाता ये आत्मा ही तो हुआ ना, आत्मा के ही परिणामों से शरीर मिला है, तो इस शरीर का अधिष्ठाता कौन हुआ? आत्मा हुआ। तो फिर आप अलग अलग क्यों कहते हो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है? ये शरीर कोई दूसरे को क्यों नहीं मिला? हमें यही मम्मी यही पापा क्यों मिले? जबलपुर ही क्यों मिला? यही मंदिर क्यों मिला? ये जिनवाणी सुनने मिली हमारा ही पुण्य का होता है। तो वो देह से चालू किया उन्होंने कि देह का अधिष्ठाता हमें तो आत्मा ही दिखता है, और आप कहते हो कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, समझाओ आप। तो ये गाथा बनी री ग्राम भरण करने से भूपाल भरण हो न जो त्यों दे गुण के स्तवन से नहीं केवे स्तवन हो। जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं किया जाता है, उसी प्रकार से शरीर के गुणों का
स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता है, क्योंकि सीधी सरल बात है कि दो सत्ता न्यारी न्यारी है, शरीर और शरीर के संयोग में रहने वाला जीव, ये दो हुए ना, भले कोई जगत इसको एक मान लो है तो दो। तो ब्रह्म जी ने कौन से अध्याय में लिखा है कि जब एक ही साथ है तो एक कौन, दो क्यों कहते हैं? यार इसमें दो है ये आप क्यों कहते, ये तो एक दिख रहा। तो उत्तर दिया कि ये अलग अलग हो जाते हैं इससे पता चलता है अलग अलग है, और अलग अलग हो जाते हैं तो अलग अलग थे तो अलग अलग हुए। जैसे छीर और नी, सोना और मिट्टी साथ रहते हैं, साथ रहने से एक नहीं हो जाते, अलग हो जाते हैं, इसका अर्थ है अलग अलग थे। अब यहाँ लगाना कि हमारे ही कर्म के उदय से हमें ही शरीर मिला, हमें ही मिला ना सर, तो फिर अब इसमें शरीर और आत्मा एक मीक चल रहे ना, हमारे परिणाम का फल हमें मिल रहा है, हमारा हुआ है, तो फिर इसे अलग अलग कैसे देखा जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि शरीर संयोग है और आत्मा असंयोगी भाव, और शरीर के गुणों का निरूपण करने से आत्मा के गुणों का निरूपण कैसे हो जाएगा, ये वो अपन से पूछते आचार्य परमेष्ठी पूछते हैं ना। उसने क्या कहा कि हमारे ही परिणामों का फल है ये चरित्र कैसे बन रहा है, यानी हमारी ही उपार्जित कमाई उससे योग बन गया। अब वो कह रहे हैं कि योग तो बन गया है पर है तो दो ही, हमने चोरी की और जेल गए तो जेल अपनी हो जाएगी, हथकड़ी अपनी हो जाएगी, हमने टिकट कटाई और डिब्बे में बैठे, सीट पर बैठे, अपना डिब्बा अपनी सीट अपना टिफिन, हमारे देश की रेलगाड़ी ने अपनी है वो भारतीय रेलगाड़ी, तो हम अपनी गाड़ी में बैठे अपनी सीट पर बैठे, ये हमारी क्यों नहीं, हमारी है। कहते तुम्हारी नहीं है क्योंकि इसे अभी छोड़ दोगे दो मिनट बाद, सीट अलग है और पैसेंजर अलग है। ऐसे ये कह रहे हैं कि देह के गुणों से आत्मा का गुणों का स्तवन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी मिली है और दो मिनट बाद फिर बदल जाएगी, अभी बालक है फिर युवा होगा फिर वृद्ध होगा, तो कौन सी अपनी दशा परमानेंट है जिसे अपन पकड़ लो। बाल बना अच्छा लगता है तो बने रहो, युवा बने रहो, बहुत मोटी बात अर्थ में कह रहे कि देह के गुणों की बखान करने से आत्मा के गुणों का कीर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रमोद, अलग अलग है, पैकिंग अलग है और माल अलग अलग है। सूर्य चाय, अब जहाँ चाय लिखा वहाँ चाय नहीं है, जहाँ चाय है वहाँ चाय नहीं लिखा, तो अलग अलग हुए कि नहीं। जैसे ये आत्मा है दिखता नहीं है, और ये दिखता शरीर है, और शरीर जो दिखता है आंख नाक कान वाला, ये बिल्कुल भी आत्मा नहीं। एक परसेंट जो भेद ज्ञान कराने की तरीके देखो आप, अच्छा ये सब समझते हैं कि तुम ये हमसे ज्यादा पढ़े हो, पर क्या करें किसी भी तरीके से छेड़ते हैं बात, और तुम्हारे चित्त में बिठाने की कोशिश करते, विचारो भाई ये अभी मिला है दे, ये अचेतन है बदलता जाता है, तुम्हारी आज्ञा में नहीं है, तुम इसके अधिष्ठाता व्यवहार से कहलाते हो, सचमुच में इसका अधिष्ठाता तो यही शरीर, शरीर जीव का कैसे हो जाएगा, दो सत्ताएं न्यारी न्यारी, समझ में आए तो फिर अनुभव में आए। अभी तो इसको कोई गाली दे कुछ बात कह दे तो बुरा लगता, अरे नाम लेके कह दे कि रंजन भैया बहुत बेईमान है, ऐसा कहने वाला तो मजाक में कह रहा था अपन को, तो सचमुच में लग जाता।
कितना एकत्व, तो वो एकत्व तोड़ना है कि नहीं कि रखे ले जाना है। देह के स्वामी बन के मंदिर आए थे, अब यहाँ से जाओगे तो फिर भी स्वामी बने जाओगे क्या, यहाँ छोड़ के जाओगे ना। देह नहीं है अपनी तो नहीं है, इसको आपको चित्त में तो बैठा लो कि दो सत्ताएं हैं, एक होने वाली नहीं। तो अभी उदाहरण कितना सरल मिला चाहे कि नगर के वर्णन करने से बता राजा का वर्णन हो सकता है कि नहीं है? अपन को मोदी का वर्णन करना है ना, और अपने जबलपुर की सफाई से, भारत की सफाई से मोदी का वर्णन हो सकता है कि नहीं? वो तो स्वच्छता करा रहा, स्वच्छता अभियान छेड़ रहा, इससे मोदी की पहचान होती है। अरे भाई मोदी के भाव पढ़ सकते हो ऊपर ऊपर से, परंतु स्वच्छता अलग चीज है और मोदी की आत्मा अलग चीज है। वो परद्रव्य में कर क्या सकता है, भाव आते हैं कुछ कार्य हो जाते हैं, तो ये जीव ऐसा लगता है जैसे मोदी करवा कौन करा है कौन नहीं करा। ऐसे ही कोई अच्छा आत्मा बैठा हो शरीर में तो मुनिराज के चरण पकड़ लेते हैं, पैर धो लेते हैं, सिर पर रख लेते हैं उनके गंधोदक और तारीफ करते हैं। शरीर ही दिखता, आत्मा तो दिखती नहीं, परंतु वो शरीर का बहुमान किया जाता है और करना है बहुमान आत्मा का, पर आत्मा दिखता नहीं। तो हमें तो आत्मा के रत्नात्र गुण का बहुमान करना है और दिखेगा शरीर का बहुमान। यहाँ इतनी गाथा हो चुकी थी, आज वो नए ढंग से कह रहे करोगे तो ऐसा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं मानना कि शरीर के गुणों का स्तवन आत्मा के गुण का स्तवन बन जाए और आत्मा के गुण का स्तवन शरीर का बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक एक श्लोक भी इसमें लिखा है। प्रकार कबलितांबर मुपवन राजी निगीने भूमि तलम पिवती नगर मिदम परिकाबले पातालम। यह नगर ऐसा है कि जिसने जिसके कोट के द्वारा आकाश को ग्रसित कर लिया, जिसका कोट यानी बहुत ऊंचा, और उपवन राजी निगीण भूमि तलम, बगीचों की पंक्तियां कैसी हैं, जिसने भूमि तल को निगल लिया यानी इसकी गहराई बगीचे की, ताल की, नदी की इतनी है कि मानो पाताल को छू रही, और कोट इतने ऊंचे हैं मानो सुमेर पर्वत जैसे आकाश को छू रहे। बगीचे की पंक्तियों से जिसने भूमि तल को निगल लिया है, चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढक गई है, और कोट के चारों ओर की खाई के घेरे से मानो पाताल को पी लिया हो। तीन बातों का निरूपण किया, ऊंचाई का, फैलाव का, है ना। यह नगर जिसने आकाश को छू लिया है, ग्रसित कर लिया, बगीचे उन्होंने भूमि तल को निगल लिया, चारों ओर बगीचे ही बगीचा दिखता है, और कूट के चारों ओर की खाई के घेरे से मानो पाताल को पी लिया हो। इस तरह से खाई बहुत गहरी है, बताओ इतने अच्छे निरूपण करने से राजा की सूरत दिखी के नहीं। बेंगलोर में इतनी सफाई रहती है, कभी भी आप जाओ ऐसा लगेगा जैसे जैसे घर के अपन साफ रखते हैं ना, सफाई रखते, ऐसे उनकी सड़कें ऐसी स्वस्थ चमकती रहे। अब इससे वहां के शासक कैसा होगा, वो झंड में जाके देखो तो ऐसी गंदगी, ऐसी बेईमानी, ये बाहर लटक रहा है, ये चोर, वहां का कलेक्टर चोर होगा कि लोग चोर होंगे, का इतने बाहर तो निकलो भर स्टैंड से,
मोटर स्टैंड। अब पूरे में ऐसा लगेगा कि यहाँ पुलिस नहीं रहती, कि कलेक्टर नहीं रहता, कि सब ने आंखें बंद कर ली हैं, क्या रहता, पूरी नाली बज बजाती मिले और रहते हैं वहां के लोग। तो बताओ सर, सड़क को नाली को देखकर वहां के राजा का वर्णन हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। अब वो राजा धर्मात्मा है, वो कौन बंदूक खाए, वहां सब बंदूक छाप है, तो अपने मंदिर में बैठा रहता है, तुम्हें जो करना हो सकता। राजा का अस्तित्व अलग है और नगर का अस्तित्व अलग है। किसी शिक्षा देती भगवान की, भाई दो को एक मिलाने की कोशिश मत कर। अब शरीर में लगा, शरीर है कोड़ी और भीतर है रत्नत्रय का धारी, चरम शरीरी महाभाग्यशाली राजा का पुत्र श्रीपाल। बाहर से कैसा है कोड़ी सही, और भीतर कैसा बताओ, कितना अंतर है। बाहर से नाप करो आप, और ऊपर से क्रोध करता राजा का गोरा नारा लड़का, दिखने में अंग्रेजों जैसा, और बात बात में उसे गुस्सा, तो उसकी चमड़ी को चूमे क्या करे, उसकी कसाई से तो उसकी कितनी आसान। यानी ये बता रहे हैं कि शरीर के गुण धर्म से आत्मा का कोई नाप नहीं है। आत्मा अलग चीज है, वो चैतन्य भगवान है, और ये शरीर आदि की रचनाएं बिल्कुल पौधगले की रचना, इससे जीव का कुछ लेना देना नहीं है। तब ये इतनी सुंदर देह इनको क्यों मिली? दूसरा प्रश्न बीरेन्द्र भाई बता, ये तीर्थंकरों को इतनी सुंदर देह क्यों मिलती? एक्टरों को इतनी सुंदर देह क्यों मिलती? तीर्थंकर तो आज है ना, एक्टर तो है। राजा महाराजाओं की चेहरी अलग क्यों हो? ना कौन बताए मुकेश है, पूर्व उपार्जित बात है, इसमें किसी की चलती विकल्प से थोड़ी मिली उसे। उसने सोची हो कि हमारा डिजाइन नक्शा ऐसा बन जाए, नहीं, और वो पूर्व में ऐसे बंद बंदे हो गया है कि पुद्गल की रचना हो गई। इसमें किसी का रोल नहीं, रोग वादिराज मुनिराज, और भीतर से रत्नात्रय की धारी महानंद भोगने वाले सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष कूल, और जरा से भी टेंशन नहीं, विकल्प नहीं, चिंता नहीं, दोष लगाते नहीं, आनंद से रहते थे। जंगल में ही हार लेते काल, क्यों क्यों लेते? उनकी दुर्गंध कूड़ की कई मील दूर जाती, कई मील दूर जाती थी, ऐसा गलना कूड़ हुआ। अब बताओ शरीर से नाप लगाओ आप, तो एक्टर दिखने में कितने सुंदर, और व्यभिचारी सात व्यसन में पारंग, और हमारे मुनिराज बाहर से कितने मलिन, पद्म प्रभ मलधारी देव, नाम ही उनका मलधारी देव, और कैसे ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि घट सुच करे। बाहर की चमड़ी से नाप नहीं लगाना कि बहु बहुत गोरी आई है इसलिए घर में गोरापन आ जाएगा, ऐसा चेहरा चमकता है जैसे बिजली आ गई हो, तो अभी बिजली का कनेक्शन कटवाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे घर में अंधेरा ही हो जाएगा, और क्या। अलग चीज है, बहु अलग है, बिजली अलग है, ये सब पढ़ा रहे। बताओ शरीर तीर्थंकर का दिखा के देखो, तुम्हें ये मूर्ति बहुत अच्छी लग रही ना, ये बिल्कुल भगवान है, ये मूर्ति दिख रही ना, ये बिल्कुल भगवान नहीं। अरे साहब क्या बताते, हम तो इनकी रगड़ रगड़ के माथे पे धूल लगाते, ये भगवान नहीं तो कौन, ये बिल्कुल भगवान नहीं है। भगवान तो अरूपी होता है, ज्ञान स्वभावी होता है, आनंद भोगता है, ये तो हमें प्रतिकृति है, मूर्ति है, प्रतिबिंब प्रतिच्छंद जैसा, उन जैसा नक्शा बना के लगाए, अपना मन लगे, आप फेर सको, बैठ सको, उपयोग लगा सको, उद्देश्य था यहाँ देखने का, वो दूर रह गया। क्यों दूर रह गया? क्योंकि इसने इसे ही भगवान मान लिया, और भगवान के पास आने का प्रयोजन आत्मा जानने का था, वो एक तरफ है। अब पढ़ना उद्देश्य बन गया, अब समझना उद्देश्य नहीं बना, अब समझना उद्देश्य बन गया, अब समर्पण उद्देश्य खत्म, अब समर्पण उद्देश्य बन गया, अब अनुभव उद्देश्य दूर, ऐसा दूस आते जाते हैं और अच्छा संभालते रहते।
सब कुछ समझ में आए ऐसी उदाहरण दे रहे हैं अमृतचंदी और कुंद कुंद भगवान के नगर के वर्णन करने से राजा का वर्णन हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नगर पौद्गलिक रचना है, उसका कर्ता धर्ता राजा नहीं है, वो युक्ति ही प्रमाण संभल पाती है। और राजा की जो सूर्य सकल मिली है उसके नाम कर्म के उदय से उसके साथ है, वो पुराने उदय से मिली है। और राजा के गुण राजा के आत्मा में अलग अलग चीजें, और ये जीव सबको मिला के दिखता है कैसा गंदा राजा है। राजा कैसे गंदा होगा? राजा तो धर्मात्मा है, शरीर गंदा है तो आप कुछ भी कहो। ऐसी पुस्तक लिखी रक्षा बादी राजमणि ने एक ही भाव स्तोत्र रचा, उनका मन बहुत लग गया कि क्या शरीर शरीर करते लोग, कोड़ी कोड़ क्यों हो गए महाराज जी को, अरे हो गया तो हो गया, हम क्या करें, शरीर का धर्म शरीर में, हम इसके व्यवस्थापक थोड़ी। ऐसे निश्चिंत मणिराज थे। अब वो श्रावक कहे साहब हम मर जाएंगे, जैन धर्म बदनाम हो जाएगा, आप ये क्या दशा, कल देखेगा राजा कि भैया इसमें तुम अपनी बपौती नहीं चलती ना अपना कुछ चलता, तुम जाओ जनेश्वर देव का ध्यान करो, आत्मा का कल्याण करो, किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में मिला के मत देखो, इससे कोई जैन शासन की महिमा की जाएगी शरीर से, साहब मैं कुछ नहीं जानता, कल हंसी हो जाएगी। अब उनको एकदम उपयोग की एकाग्रता से एक ही भाव स्तोत्र की रचना, कितना सुंदर स्तोत्र, आनंद आशुष नपति बदनम गदगदम चापी जलपन, ये भगवान आपका नाम लेते सी आंख से आंसू झरने लगते, कितने उपकारी होते भगवान, कितना उपकार है आपका। आप जब इस धरा पर आए इसके आने के 6 महीने से पहले ही से धरती सोने की हो गई, स्वर्णमय हो गई, तो जो व्यक्ति ध्यान द्वार से आपको यहाँ बिठा लेगा उसका शरीर ऐसा गंदा बना रहे पूरी बना रहे हमें तो नहीं लगे, ऐसा पढ़ रहे थे मांग नहीं रहे थे, डिमांड नहीं कर रहे, पर भगवान भी बहुत समझदार ये महाराज ने मांग ही लिया सर। महाराज जी को शरीर की जरा भी परवाह, उपयोग बहुत कीमती धन है, उसकी रक्षा जरूर कर। ध्यान में बैठे स्तवन किया और शरीर सोने जैसा चमकने लगा, और दूसरे दिन राजा आया, चलो तुम्हारे मणिराज को देखो, जैन साहब आए, अब उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, आज क्या होगा जैन धर्म की हंसी हो। और जैसे ही मणिराज गुफा से बाहर निकले जैसे दमक रहे थे जैसे सूरज का गोला हो, तो देख ही रह गए, क्यों अरे तुम लोग झूठ बोलते हो, जैन मणि गंदे होते, देखो कितने सुंदर है मणिराज। तो महाराज जी ने समझाया ये झूठ नहीं बोलते, ये बेचारे शरीर को देखते हैं तो शरीर ही देख के गए थे, अभी आज शरीर को फिर देख रहे हैं तो शरीर में बदलाव आए, देखो अभी भी कोड़ है इतनी जगह। अब वो जो श्रावक आया था जैन साहब, अरे प्रभु आप कुछ भी कहो, आप तो चमत्कारी, ये कह रहे हैं कि आत्मा का चमत्कार शरीर में नहीं चलता, ये कह आप कुछ कहो, इस शरीर के अधिष्ठाता तो आपकी भक्ति से ये हुआ है, हम नहीं मानेंगे कि नहीं। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, भक्ति से शांति मिली है, शरीर बंधन नहीं हुआ है, शरीर का धर्म किसने किया है, शरीर ने, और आत्मा की शांति कहाँ मिलती है, आत्मा में। और जीव कैसा दिखता है, चमड़े से, आत्मा का नाप और आत्मा का चमड़े, नहीं समझ में आ रहा है। तो बगीचे को कहते नगर की नगर के वर्णन से राजा का वर्णन हो सकता है कि नहीं, डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी से इनकी डायग्नोसिस क्या वर्णन हो सकता है कि नहीं, ये डायग्नोसिस अलग है, और कोई झूला छाप हो और जोरदार डेकोरेट बना ले अपनी डिस्पेंसरी, ये बाहरी चमक दमक से कैसे नाप लगाओ, समझना पड़ेगा भाई, बच्चे जैसी पढ़ाई करा रहा, नगर राजा नहीं है, ऐसे शरीर आत्मा नहीं, शरीर की क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं, शरीर के धर्म शरीर के,
और जीव का धर्म जीव में है। और अपन शरीर की क्रियाओं से यदि आत्मा के धर्म की वासना बना के बैठे हो तो उसका इलाज करवाना चाहिए। शरीर का तुम कितने घंटे बैठा लो तो थोड़ा बहुत धर्म हो जाए अंदर, चित्त में बात बैठ जाए तो कहीं भी। बड़े पंडित जी कहते निर्वृत्त चित्त चाहिए, निर्वृत्त नहीं चाहिए, निर्वृत्त चित्त चाहिए। चित्त तो फंसा रहता है व्यवसाय में विषयों में और निर्वृत्ति लेके बैठ जाता है कि हम तो यहाँ रहेंगे। हल्कापन होना चाहिए, निर्भार बना बहन। और दूसरा एक कलश और लिखा है, नित्यं विकार सुस्थित सर्वांगं पूर्व सहज लावण, अक्षोभ निव समुद्रम जिनेन्द्र रूपं परं जयति। जिनेन्द्र का रूप कैसा होता है उसका वर्णन किया है इन्हीं अमृतचंद भगवान ने। जिनेन्द्र रूपम परम जयति, जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्ट तया जयवंत बरतता है। यानी जिनेन्द्र देव का जो शरीर है करोड़ पूर्व तक ऐसी टिका रहता, ऐसा चमकता हुआ, ऐसा सुंदर, बिना भोजन के अद्भुत। यानी जगत देख के रह जाए कि ऐसा होता भगवान का जी शरीर बता रहे आप। शरीर परमोदारिक होता है, यहाँ लोमड़ी खाती सिंगनी खाती थी और सिंगनी ने फाड़ के खा ली, गुरुदत्त मुनिराज को आग लगा दी। और वहां जब परमोदारिक शरीर में बैठे तो वो आग जला शरीर रहा होगा कि वो कपूर जैसा उड़ गया और एकदम नया प्रोडक्शन, ऐसा अद्भुत काया, ऐसी सर्वांगीण सुंदर साफ धातु रहित चतुर्मुखी गंध कुटी में विराजमान प्रतिमा बुद्ध ध्वनि खिराने लगी। कहाँ गया वो शरीर? न पहली बार शरीर अपना था जिसे आग लगाई थी और न ये शरीर अपना है जो थोड़ी देर रह रहा है। ये भी पुद्गल की रचना है, वो भी पुद्गल की रचना। देह के बल से आत्मा का कल्याण कैसे होगा ये समझा रहा है। जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्ट तया जयवंत बरता है, रूप यानी शरीर, ये रूप नहीं चिद रूप और अनंत चतुष्टय का रूप। अभी तो शरीर का रूप बता रहे, देखो जिसमें सभी अंग सदा अविकार सुस्थित, यानी निर्घो अंग अंग। देखो आप भगवान की आंखें देखो तो बताओ भगवान की आंखें बंद रहती हैं कि खुली रहती है? निर्घो आप एक एक चीज। तोड़मल जी ने कहा कि तुम्हें यदि आत्मा से प्रीति होगी तो आत्मा देखने वालों की मुद्रा अच्छी लगेगी। देखो आप इनको निर्घो, आंख भगवान की बंद है कि खुली है, है? कैसे कितने दिन से पूजन अभिषेक कर और आज तक नहीं देख, ना बंद है और ना खुली है। बंद आंख काय की निशानी है? निद्रा की। और खुली आंख काय की निशानी है? विषय सेवन के प्रेमी। तो भगवान की कैसी आंख है? अर्ध उन्मीलित नहीं। ध्यान मुद्रा में ना आंख बंद होती है ना पूर्ण खुली रहती। जैसे ये मुंह, ये बंद रहे तो भोजन कर सकते और खुला ही रहे तो भोजन कर सकते। तो खुला भी रहना चाहिए और बंद भी होना चाहिए, जब वो घर सकता है भी। जैसे नए से वस्तु स्वरूप समझना भी चाहिए और समझ करके पक्षातिग्रांत भी होने। ऐसे ही देह की मुद्रा से शांत भाव पढ़ना चाहिए और फिर अपने को पढ़ना चाहिए। तो जिनेन्द्र देव का रूप सभी अंग सदा,
सदा क्यों लिखा कि 1 करोड़ पूर्व तक 8 वर्ष की आयु से, 8 वर्ष की आयु में होता है ना केवल ज्ञान। अब ये देह कितने काल तक टिका रहेगा, इतने लंबे काल तक बिना भोजन पानी की टिका रहे। यहाँ पर आदिनाथ जी का कितने काल तक टिका था, 83 लाख पूर्व में उन्होंने दीक्षा ली और 1000 वर्ष तक ध्यान लगाकर साधना सफल की। तो 1000 वर्ष कम 1 पूर्व तक अनंत देव का शरीर सुस्थित रहा और बिना भोजन पान के रहा। तथा बिना भोजन के शरीर कैसे टिकेगा, अपने शरीर को भोजन न दो आप बताओ टिका, कोमला जाएगा दूसरे दिन, उनका कैसे टिका रहे। आते रहते परमाणु, प्रगति की व्यवस्था देखो, यहां से कवलाहार नहीं लेती। कवलाहार क्यों नहीं लेते, ना उन्हें आहार लेने का राग है और ना उनके बल में कोई कमी है। अनंत वीर के धनी अंदर से है और अतुल वीर के धनी शरीर से, उन्हें कहा कमी किसी बात, और शरीर टिका रहता इतने लंबे काल तक टिका रहे बिना भोजन के। और श्वेताम्बरों को ये बात नहीं पची तो उन्होंने भोजन करा दिया, भगवान महावीर स्वामी को भोजन करा दिया, और गंदे गंदे भोजन भी कराए, फिर पेचस हो गई, फिर आग लग गई। कल्पित मत है तो कुछ भी बात, तो अपने यहां तो लिखा सदा ऐसा ही अविकार स्वरूप स्थित रहता। अरहंत देव का जो शरीर है सदा काल ऐसे ही स्थित रहता। अच्छा, खड़ा होता है, चलता है और पालटी मारता है, 3 बातें कौन कौन सी, आदि जो तीर्थंकर का जीव है वो शरीर उनका गमन करते समय कैसा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, फिर डग उठाते, डग ऐसे नहीं ऐसे ऐसी डग रहे, ऐसी डग, और फिर ऐसी पाल्टी मार के बैठ जाते। बताओ ये बिना इच्छा के कैसे होता, इच्छा है क्या उन्हें, इच्छा नहीं है तो फिर कैसे होता है। प्रवचन सार जी में लिखा कि देखो औदय की क्रिया, और औदय की क्रिया छाए की बत लिखो कि जैसे कोई के उदय आके खिरते हैं, ऐसे ही तीर्थंकरों के कर्म के उदय आके ऐसी क्रियाएं होती हैं और वो कर्म खिरते जाते, नए नहीं बंद होते, क्योंकि राग नहीं रहा ना, कसाय नहीं रही, तो आश्रम बंद बंद है। फिर से एक योग भर है उनके, योग नाम का आश्रम, और उसमें कसाय का योग नहीं होने से कर्म बंद होता तो है, पर एक समय से ज्यादा का ठहरने का योग ही नहीं। मतलब कोई कसाय हो तो रोके, ऐसे शरीर की सत्ता करोड़ों पूर्व तक बनी रहती। इतने बड़े सीमंदर भगवान की आयु से लगा लेना, सीमंदर भगवान की आयु कितनी अब से है, कितनी है बताओ किसी को मान। ये तो सामान्य कथन है, जैसे महावीर स्वामी की 72 वर्ष कही जाती, पर 72 थोड़ी, 71 वर्ष 6 माह और कुछ दिन, ईमानदारी से स्थूलता से 72 वर्ष कही जाती। ऐसे ही उनकी 1 करोड़ पूर्व की है और जबकि है कितनी, 84 लाख। शरीर टिका रहता इतनी लंबे काल। कब हुए थे सीमंदर भगवान प्रशांत, जब मुनि सुव्रत नाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ उस समय इन्हें केवल ज्ञान, उस समय के। और ये कब तक अरहंत बने रहेंगे, जब तक 13वें तीर्थंकर आएंगे तब तक ये अरहंत दशा में रहेंगे। अब इन्हें भोजन पानी कौन देता हो, कोई छू नहीं सकता, स्पर्श करने की व्यवस्था नहीं, खाने का राग नहीं, शरीर को जरूरत नहीं, और शरीर टिका रहता। ये सदा काल ऐसा सुस्थित एक आकार में ऐसी सुंदर मुद्रा बनी रहती। बताओ इसकी व्यवस्था, अपन तो ब्यूटी पार्लर भेजते अपने बच्चे, इनसे तो पूछो कि ये बिना खाए ऐसे चमक दमक रहे। तुम जितना पाउडर पोत रहे हो उतना ही कर्म पोत रहे हो, अगले भाव में सुगर जैसे शरीर मिलेगा।
क्योंकि वो अंडी मिली है, गंदगी है, वहां बैठने की जगह नहीं, जैन सांप जा कैसे सकता, उनको छू कैसे सके, उनको तो यहाँ मेहतरानी भी जाती, इनकी चमक दमक कैसे बनेगी। सदा काल स्थित बनी रहती शरीर, क्योंकि वो स्थित स्वरूप से पैदा है, उससे अपना प्रेम है, तो उनकी वर्गणाएं भी ऐसी आती हैं जो शरीर की मेंटेन करती है। आप शरीर को मेंटेन नहीं करो, आप आत्मा के परिणामों को मेंटेन, तो शरीर अपने आप मेंटेन। सदा काल अविकारी रहते, यानी चिन्ह एक भी ऐसा चिन्ह नहीं जो भगवान में विकृत दिखता। कभी किसी को जो कभी मंदिर नहीं आता तो गुस्सा से देखते, क्यों भी आज ही आए, टाइम नहीं मिला निकलने का, ऐसा कभी देगा चिन्ह भगवान, और तुमने बहुत अच्छी पूजा की तो या सब ऐसे करते हो। समंत भद्र देव ने कहा हमारे भगवान बीतरागी, न पूज्यार्थस तो बीतरागी, न निंदिया नाथ विवांत बैरी, जो निंदा करते उनसे बैर नहीं करते, और जो पूजा करते उनसे राग नहीं करते। क्यों नहीं करते, बीतरागी क्या कला, उन्हें किसी से राग द्वेष है नहीं। ये सीख देते हैं कि किसी से राग द्वेष मत करो, क्योंकि पर द्रव्य से राग का फल नहीं मिलता है, अपने कष्ट बढ़ते। वर्तमान में दुखी बंद हो गया तो अगले भाव में वो उत्कृष्ट अंग है, सुस्थित है और अपूर्व सहज लावण्यम, दुनिया फैल हो जाए। अरे बाल तीर्थंकर को देखते ही रह गया उस सौदर में, इतना सुंदर तो बालक का चेहरा होता है, क्यों होता, क्योंकि सुंदर आत्मा पसंद की तो प्रकृति उनका अभिनंदन करती, तुम बहुत योग्य जीव, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। अपने संजय जीवर आते तो के बोले कि भरत चक्रवर्ती के कितनी बेटी होती सेने, हजारों हजार, तो वो किसके नाम याद करता होगा, किसे गोदी में लेता होगा, वो तो इसी में लगा रहे तो आपस ही नहीं जा पाए। वो ज्यादा लड़के हैं कितने हैं, सागर चक्रवर्ती के तो 60,000 थे, तो इनके कोई ज्यादा ही होंगे। अब इतने लड़के कहाँ तक खिलाया, तो वो इतने लड़के और नहीं खिलाया तो लड़के दुखी होते कि पापा ने जन्म दे दिया और बातें नहीं कर, तो अब उनके लड़कों को देव खिला, कोई तो होगा पुण्याधिकारी है, उनके उस घर में आए हैं तो सेवा तो होगी। तो एक व्यक्ति बोला कि जैसे भरत चक्रवर्ती के बेटों की व्यवस्था देव ने कर दी है, ऐसे हमारे बेटों की व्यवस्था कर दे तो हम धर्म में लग जाए, कि तेरे बेटों की व्यवस्था नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बताओ मुकेश, क्यों नहीं करेंगे जिन्हें जितें, क्योंकि तुम बेटा देख लो और व्यवस्था देख लो, तुम आत्मा देखो तो व्यवस्था कर। नहीं समझ में आया, जिस समय श्री कृष्ण जेल में जन्मे, ठीक है, और जेल से जैसे ही जन्म हुआ और फाटक खुल गया, जेल का फाटक खुल गया, प्रगति की व्यवस्था देखो, पुण्य कैसा साथ दे। अब वो लेके चले और नदी आ गई, बाढ़ आ गई, अब कैसे पैर रखें, तो उन्होंने आकाशवाणी हुई कि ये महापुरुष है, इसको कोई बाधा नहीं आ सकती, आप तो पैर रखो, नदी अपने आप रास्ता दे। तो वो बोले कि पहले नदी रास्ता दो फिर हम पैर रखें, कितो तो नहीं जा सकते, पहले पैर रखो फिर हम रास्ता दें। यानी तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण को लेके चले, ऐसा लगता ही नहीं आत्मा इतना बड़ा है, वो काम नहीं बनते हमारे, नहीं बनेंगे रोगियों की मोहियों के काम नहीं बनेंगे बिगड़े। जैसे ही चले और नदी ने रास्ता दिया और पार हो, अब तो श्री कृष्ण नहीं है, अब लौट के आए तो कहां से निकले, कैसे निकलोगे, तुम्हें आत्मबल हो तो निकल जाओगे, कैसे निकलोगे, उन्हीं का भगवंतों का स्मरण करो जिनका स्मरण करके श्री कृष्ण बने। राधे जी ऐसे शरीर कैसे मिल जाती है कह रहे, क्योंकि ये स्थिर स्वभाव का अभिनंदन किया तो स्थिर रहने वाला शरीर में। जो व्यक्ति जिनेन्द्र देव का सुबह से उठकर प्रक्षालन पूजन करता है वो दुनिया में सबसे सुंदर चेहरा पाता है।
ऐसा सहज नहीं होगा, दुनिया देख के रह जाती कि ये व्यक्ति इतना सुंदर क्यों, क्योंकि भगवान के पास है। आप पढ़ना ये एक ही बात स्तू और कल्याण मंदिर इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि जिस समय सौ धर्मेंद्र ऐसी सोचता रहता है, तरकीब निकालता है कि कैसे भगवान के पास पहुंचे, कैसे तो कहले अब उसे कुछ लिखाई नहीं दी तो छत्र लेके पहुंच गए, कब से खम्भे छत्र ही लगा लो, तो बोले भगवान को का छत्र लगाओगे, तुम्हारे ऊपर लग जाएगा, तुम ऐसा लगा के रहोगे तो तुम्हें छाया मिलेगी कि नहीं, ऐसे तुम्हें लगता है कि भगवान की सेवा करे, अरे भगवान की सेवा नहीं कहलाती है, वासनाएं तोड़ना कहलाती है, भगवान की सेवा तुम्हें, तुम्हारी सेवा चाहिए भगवान। ऐसा सुंदर शरीर व्यक्ति का होता है इसलिए होता है कि वो सुंदर स्वरूप पसंद आया, आत्मा अच्छी लगती है तो प्रकृति में आत्मा अच्छे लगने वालों को अच्छे अच्छे परमाणु इकट्ठे हो जाते, ये कौन करता रहता है, इसका कोई ना करता धर। पैसा चाहिए तो पैसा की सुख बुद्धि छोड़ो, इनके पास आओ पैसे पैसे बरसे, तुम्हें जीवन अच्छा चाहिए, हर बात की व्यवस्था है, दरिद्र इनको द्रव्य के दान देने, पुत्र इनको दो भले पुत्र की ने, तुम्हें लगता है ये तो व्यवहार वचन, व्यवहार वचन नहीं सत्यार्थ वचन, इनके पास आने पर नियम से ऐसा पुण्य बनता है और ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था है, और तुम छल से आते तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं, भरत चक्रवर्ती के बेटों को तो देव खिलाएंगे पर तुम्हारे बच्चों को भगाएंगे, क्योंकि तुम्हें बच्चे बच्चे ज्यादा दिखते हैं, तो बहुत सुंदर रूप है लावण्य है, अपूर्व और स्वाभाविक, अपूर्व क्यों लिखा, अपू ये शरीर कभी नहीं मिला, ये कह रहा है ऐसा शरीर भी जीव को कभी नहीं मिला जो आज अनंत दशा में मिला, आज तक यह जी तीर्थंकर का पिता नहीं बना, तीर्थंकर की माता नहीं बना, लोकांतिक देव नहीं बना, सौधर्मेंद्र नहीं बना, ब्रह्म ऋषि नहीं बना, कोतवाल नहीं बना स्वर्गों का, ये सब एक भवतारी होती सर्वार सिद्धि नहीं गया, माता भी बन जाता तो यहाँ संसार में परिवर्णित, माता भी नहीं, कैसा सुंदर रूप है, और समुद्र जैसा छूब रहत गंभीर। आज गुरुदेव का प्रवचन काय में पढ़ रहे थे, उसमें लिखा कि एक बटोद का 8 वर्ष का लड़का एक माता पिता लाए, तो वो कहने इतना गंभीर दिख रहा था 8 वर्ष की उम्र, ऐसा बैठे जैसे कोई अरहंत देव बैठे, उसकी चेहरे की आकृति, आंख नाक नक्शा रूप ऐसा देखे जैसे कोई भगवान बैठा। हमने उस पिता से पूछा कि ये लड़का ऐसी देता है, कि ऐसी देता है, इतना गंभीर है, क्या शुरू से ऐसा बताओ, इसे गंभीरता अभी तो पुण्याश्रित उदयाश्रित है, परंतु जीव के परिणाम से शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिनने किसी को चढ़ाया निंदाएं की उनकी आड़ी टेढ़ी शरीर बनते, ये सब हमारी विराग भैया चैती चेतना में निकालते रहते, किसी किसी 2 लड़का जुड़े पैदा हुए, उनके दोनों के पेट जुड़े हैं, दो दो हाथ हैं, अब सीढ़ी चढ़ रही, 2 हाथ इसके 2 हाथ उससे और वो दोनों जुड़े हुए सीढ़ी चढ़ रहे, किसी किसी बंद बांधता है, हम दो ही एक साथ रहे मरे तो कभी कभी अलग अलग ना, ऐसे बंद होंगे कि ये ऐसी शरीर मिल जाए, और जो आत्मा के प्रति रुचि रखेगा उसे ऐसे बंद होंगे जैसे अनंत देव की, जो स्वाभाविक अपूर्व लावण्य समुद्र ऐसी तरह से छूब रहे चला चलता से रहे, इस प्रकार शरीर का स्तन अपन कर रहे, इतनी देर से तारीफ कर रहे शरीर शरीर शरीर, अब तो अनंत देव के कुछ गुणानुवाद हुए होंगे कि नहीं, एक बात भी नहीं है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा चैतन्य केवली पुरुष का स्तन नहीं हुआ, क्योंकि यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर अभी ऐसे ही मिलेगा, तो अभी शरीर शरीर है, शरीर को देखकर तुम आत्मा के गुणों को नहीं पहचान पाओगे, आत्मा के गुण आत्मा के हैं और शरीर के गुण, तथापि सुस्थित सर्वांगता लावण
आदि आत्मा के गुण नहीं है, इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव। कौन से गुणों का अभाव? शरीर के गुणों का अभाव है। किसे? आत्मा में। किसकी आत्मा में? प्रत्येक जीव के शरीर का गुण धर्म आत्मा के गुण धर्म से अलग अलग है। इस शरीर के गुणों को देखकर रिझोगे और आत्मा के गुण नहीं पहचानोगे तो बहुत धोखे में रहेगा जीव। इस तरह से गजब का भेद विज्ञान बहुत सरल पद्धति से क्या भेद विज्ञान कराए प्रमोद? नगर की वर्णन करने से किसका वर्णन नहीं होता है? राजा का वर्णन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? राजा ईमानदार हो और नगर भिंड जैसा हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? और राजा बेईमान हो और जयपुर जैसी नगरी हो, बेंगलोर जैसी अच्छी नगरी हो सकती हो, राजा बेईमान। सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सेजानंदी। जगपैया